नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। एंटीलिया केस में हिरासत में लिए गए पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुबह एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर छापेमारी करने पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। लेकिन अब कई घंटों की पूछताछ के बाद पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एनआईए की टीम जेबी नगर इलाके के अंधेरी स्थित प्रदीप शर्मा के घर पर घंटों तलाशी लेती रही। प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का मेंटर भी कहा जाता है। दरअसल एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का कनेक्शन प्रदीप शर्मा से जुड़ा हुआ है। दोनों मुंबई क्राइम ब्रांच में एक साथ काम कर चुके हैं। मनसुख हिरेन की हत्या वाले दिन सचिन वाजे का लोकेशन प्रदीप शर्मा के घर के पास मिला था। इसके बाद ही प्रदीप शर्मा एनआईए के रडार पर आ गए थे। इससे पहले प्रदीप शर्मा से एनआईए ने दक्षिण मुंबई में अपने कार्यालय में 2 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के अनुसार शर्मा को अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनका नाम और सबूत के रूप में तकनीकी डेटा के रूप में आतंकवाद और हत्या मामले में उनकी संभावित भूमिका की ओर इशारा किया गया। एनआईए ने इससे पहले पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी, सुनील माने, पूर्व पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर को गिरफ्तार किया था। हाल ही में संतोष शेलार और आनंद जाधव को भी गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने कहा था कि ये दोनों कथित तौर पर एंटीलिया के पास विस्फोटकों वाली एक एसयूवी खड़ी करने की साजिश में शामिल थे। गौरतलब है कि इस साल 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई स्थित एंटीलिया के पास एक लावारिस एसयूवी कार मिली थी। इस एसयूवी में जिलेटिन की छड़ी थी। बाद में इस एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की 5 मार्च को मुंब्रा नाले में लाश मिली थी। मनसुख के परिजनों ने हत्या का आरोप सचिन वाजे पर लगाया था। वहीं एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।